तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। सालार के टीजर को 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, मतलब दो दिन इस फिल्म के टीजर ने कंप्लीट कर लिए। दोस्तों मानोगे नहीं, स्टिल सालार का टीजर आज अपने दो दिन तक लगातार नंबर वन ट्रेंडिंग कर रहा है। इंडिया में और बाहर कंट्री में लगातार ट्रेंडिंग शो हो रहा है, पर नंबर वन पर ट्रेंड नहीं कर रहा है। लेकिन आज बात करेंगे अपने 48 घंटे में इस टीजर ने क्या बवाल मचा रखा है, कितने व्यूज बटोरे हैं, कितने लाइक्स मिले हैं, कितने कमेंट्स मिले हैं और भी ढेर सारी अपडेट, तो वीडियो वन तक जरूर देखें। अगर आप भी द रेबल स्टार प्रभास के डाई हार्ट फैन हैं और सालार मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तब, लेकिन इससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अमेजिंग सालार के टीजर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक की तरफ से। इंडिया में नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है ये टीजर। जी हां दोस्तों, प्रभास की फैन फॉलोइंग बहुत सॉलिड है, ना कि सिर्फ साउथ में या तेलुगु इंडस्ट्री में बल्कि हिंदी बेल्ट में भी। जी दोस्तों, आफ्टर बाहुबली प्रभास का वही एरा वापस आ रहा है। बीच में दो तीन फिल्में बेकार चली गई थी, जिनसे सेम उम्मीद करी जा रही थी कि जैसी बाहुबली में प्रभास को देखा गया था सेम इन मूवी में भी देखा जाएगा, लेकिन उसका लेवल ना साहू मैच कर पाई, ना राधे श्याम मैच कर पाई और आदि पुरुष के हाल तो हम सभी जानते हैं। उससे बड़ी डिजास्टर मूवी प्रभास के करियर की कोई नहीं होगी, लेकिन सालार ये एक फिल्म सब इक्वेशन को बराबर कर देगी, नो डाउट, क्योंकि जिस कैरेक्टर में प्रभास को जनता देखना चाहती है, एकदम राउडी एंड मासी लुक, वो सालार की डिमांड थी और इस डिमांड को मानो प्रभास ने कर दिया है पूरा, जिसका जीता जागता सबूत हमें टीजर का नंबर वन ट्रेंडिंग होने पर शो हो रहा है। यस, द रेबल स्टार को वही पोजीशन अब दोबारा मिल रही है जो उन्होंने आफ्टर बाहुबली छोड़ा था। ये केजीएफ, ट्रिपल आर, भाई साहब पानी मांग जाएंगे। अगर जो उम्मीद इस फिल्म से फैंस और पब्लिक कर रहे हैं, तब कितने रिकॉर्ड टूटेंगे गिनती नहीं कर पाओगे। देखो इस टीजर की एक खासियत ये लगी कि आजकल जो ट्रेंड है टीजर के नाम पर पूरा ट्रेलर पकड़ा देने का और मूवी का पूरा कंटेंट, पूरी कहानी का ऐसा रिवील करना जो बाद में जनता के लिए ट्रेलर और मूवी में देखने लायक कुछ बचता ही नहीं है, वो सब सरप्राइजेस पहले ही खत्म कर डालते हैं, तो वो चीज इसमें नहीं हुई है। टीजर को सिर्फ टीजर की तरफ दिखाया गया है, एकदम छोटा सा मोमेंट प्रभास का और वो फाइट सीन सिक्वल, क्यों लड़ रहे हैं, किस लिए फाइट हो रही है, नोबडी नोज, क्योंकि कोई लूप होल ही नहीं दिया है कनेक्ट करने के लिए। ऑल आर सेपरेट, पृथ्वीराज को अलग दिखाया है, उसका अलग एरा है, प्रभास को अलग दिखाया है, वो अलग ही पंगे में उलझा हुआ है और भाई साहब टिन्नू आनंद जी इस टीजर के मास्टर ब्लास्टर हैं, जिनकी कोई उम्मीद ना थी, वो ऐसे ब्लास्ट कर जाएंगे। स्टार्टिंग डायलॉग डिलीवरी बाय हिम इज सुपर अमेजिंग। तो टीजर को एकदम बहुत सोच समझ कर बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल करा गया है लोगों को एक्साइटमेंट फाइनल ट्रेलर तक बढ़ाने के लिए। दूसरा ये कि सालार के मेकर्स एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, टीजर को एड्स के द्वारा जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखो ऐसा तो नहीं है कि सालार को हर कोई जानता है, इस मूवी के बारे में हर कोई जानता है, हर कोई प्रभास को जानता है, तो एडवर्टीजमेंट यहाँ काम करेगा उस ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए जिसे सालार के बारे में कुछ अता पता नहीं है, जिसे प्रभास के बारे में कुछ अता पता नहीं है। बात करें कि पहले 48 घंटे में कितने व्यूज आखिर इस टीजर ने बटोर लिए हैं, तो वैसे हम नंबर अमेजिंग है, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले 48 घंटे में लगभग 98.83 मिलियन व्यूज इस टीजर के हो चुके हैं, जो अराउंड 99 मिलियन व्यूज काउंट करे जा सकते हैं। साथ ही बात करें लाइक्स की तो दोस्तों 1.8 मिलियन लाइक्स और कमेंट की बात करूं तो लगभग 94,000 कमेंट्स अभी तक इस टीजर को जबरदस्त तरीके से हो चुके हैं। दोस्तों नो डाउट टीजर बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है, प्रभास की वही फॉर्म वापस आ रही है, फैंस की तरफ से जबरदस्त पॉजिटिव वाइब दिखाई जा रही है प्रभास के लिए। बाकी दोस्तों मूवी को 250 करोड़ के खर्चे में बनाया गया है, होमवाली फिल्म्स प्रोडक्शंस हाउस का इसके ऊपर हाथ है। बात अगर कास्ट की करूं तो प्रभास आपको मेन लीड में दिखेंगे, सेकंड लीड में आपको श्रुति हसन नजर आने वाली हैं, सपोर्टिंग में अगर बात करूं तो पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू, टिन्नू आनंद, मीनाक्षी चौधरी, विजय सेतुपति और मूवी का मेन क्लाइमेक्स सीन सीधा केजीएफ से यश का कैमियो प्रभास के साथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपके बारे, आपको क्या लगता है कि टीजर कैसा है? दूसरा ये कि सालार कितना बिजनेस कर पाएगी, 1,000 करोड़ के ऊपर आंकड़ा जा पाएगा या नहीं, केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, ट्रिपल आर का खदेड़ पाएगी या नहीं, ट्रेलर का कितना इंतजार है आप लोगों को, और लास्ट ये कि प्रभास का ये मासी राउडी लुक सालार में कैसा लगा आप लोगों को। फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।